प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 2 की हिंदी के तीसरे पाठ छोटे से बड़े के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, इस पाठ को आपको पढ़ना चाहिए। तो हमने बच्चों जिस वीडियो में पाठ को पढ़ा रखा है, आप वो वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद बच्चों आप प्रश्न उत्तर करेंगे ना, आपको प्रश्न उत्तर आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, जो वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, वो आपके लिए वीडियो निकाल कर आपको दे देंगे, फिर आप सुन लीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम करेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में बच्चों उबड़ खाबड़, इसका अर्थ होता है ऊंचा नीचा। उबड़ खाबड़ का क्या अर्थ होता है? ऊंचा नीचा। खूब, खूब का अर्थ होता है ज्यादा। कोमल, कोमल होता है बच्चों ताजा ताजा, मुलायम मुलायम। और अंकुर होता है बच्चों बीज के उगने की पहली क्रिया। इनको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है और याद भी करना है। ठीक है, अब आपको नीचे जो प्रश्न दे रखा है, पढ़े और समझे, इनको पढ़ना भी है, फिर आपको इनको नोटबुक में लिखना भी है। ये बच्चों बोलो, हरा भरा, दूर दूर, उछल कूद, उबड़ खाबड़, उड़ती उड़ती, कोमल कोमल, कोमल होता है बच्चों मुलायम मुलायम, आपको इनको बोलना है। अब बच्चों आपको क्रम जानना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, बीज होता है, बीज के बाद उसमें से अंकुर निकलता है, अंकुर से बच्चों पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद वो पेड़ बन जाता है। नंबर वाइज पहले बीज होता है, फिर अंकुर आता है, फिर पौधा उगता है, फिर बच्चों पेड़ बनता है। ठीक है, इसी तरह से अक्षर जो कै खै गए होते हैं ना, कै खै गए, वो सब अक्षर होते हैं, सबसे पहले अक्षर होते हैं, फिर उससे हम शब्द बनाते हैं, दो अक्षरों वाले, तीन अक्षरों वाले, तीन चार अक्षरों वाले, फिर बच्चों हम एक लाइन बनाते हैं शब्दों से, होता है वाक्य, तो तीसरे नंबर पर आते हैं। वाक्य बन बन के बच्चों आपका पूरा पाठ बन जाता है, ये चार नंबर पर आता है। ठीक है, जैसे बच्चों ये है कै खै गे, ये क्या है, ये है बच्चों अक्षर। ठीक है, उसके बाद इनको जोड़कर आप शब्द बना सकते हो, जैसे जल है जल, फल है फल, नम है कै नमक, ये बन गया आपका शब्द। अब वाक्य कैसे बनाते हैं, मैं पानी पीता हूँ, मैं जल पीता हूँ, ये वाक्य बन गया। अब इन्हीं वाक्यों से बच्चों क्या होता है, पूरी पूरा पाठ बन जाता है, हर वाक्य बनते जाते हैं और आपके लिए पूरा पाठ बन जाता है। अब बच्चों हम करेंगे प्रश्न तीसरा, वे जो छोटे से बड़े बनते हैं, जैसे बच्चों मेमना, मेमना बड़ा होकर क्या बन जाता है, बकरी बन जाती है। ठीक है, और बछड़ा बड़ा होकर क्या बन जाता है, बैल बन जाता है। इसी तरह आपको बताना है जो छोटे से बड़े बनते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी, बच्चे से बच्चों बनता है मनुष्य बड़ा होकर, और चूजा बन जाता है बच्चों पक्षी, बिलोटा, बिलोटा होता है बिल्ली का बच्चा, बड़ा होके बिल्ली बन जाता है या बिल्ला बन जाता है, बछड़ी, बछड़ी बच्चों बड़ी होके गाय बन जाती है, सपोला यानी सांप का बच्चा, बड़ा होके सांप बन जाता है, और पिल्ला, पिल्ला होता है कुत्ते का बच्चा, बड़ा होके क्या बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। अब बच्चों सोचिए और बताएं, में हमारा पहला प्रश्न है, पौधा पेड़ कब कहलाया, तो इसका उत्तर बच्चों सामने लिख दिया मैंने, पौधा बड़ा होकर पेड़ कहलाया। अगला है दूसरा प्रश्न बच्चों, बीज पौधा कब बनता है, जब बीज से अंकुर फूटा तो पौधा बन गया, बीज क्या बन गया, पौधा बन गया। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इन शब्दों का उपयोग करते हुए रिक्तस्थान भरो, पेड़, कोमल, छाया, कहानी, अंकुर, नानी, तो छाण छाण के हमने भरने हैं। ऊपर अपने आप पहले जो पाठ पढ़ा था तो वही लाइनें हैं, एक दिन बोली मुझसे, तो यहाँ आएगा नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी, यहाँ क्या भरोगे, कहानी, कुछ दिन बीते अंकुर फूटे, कोमल कोमल पत्ते फूटे, यहाँ आएगा बच्चों कोमल कोमल, पौधे से बड़
पेड़ कहाया, यहाँ पर क्या आएगा, पेड़ कहाया दूर दूर तक फैली छाया। ये खालिस्तान भरने थे बच्चों, में भर दिए। अब बच्चों सही गलत का हम निशान लगाएंगे, जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाएंगे ये वाला, और जो गलत होगा उस पर ये वाला निशान लगाएंगे। खेत उबड़ खाबड़ नहीं था, तो बच्चों जब हमने पाठ को पढ़ा था तो ऊपर पढ़ा था कि पेड़ उबड़ खाबड़ था, तो यहाँ पर जो ये बात है वो गलत है, ठीक है। बीज पौधा बन गया था, सही बात है बच्चों, बीज पौधा बन गया। पेड़ की छाया दूर दूर तक फैली हुई थी, सही बात है। पौधा हरा भरा लहरा रहा था, ये भी सही है बच्चों। अब अगला प्रश्न है बच्चों, आपको ये आपको खुद करना है, ठीक है। आपको सुंदर लेख लिखना है अपनी नोटबुक में, छोटे से बड़ बड़े बने हो, कुछ नहीं करना बच्चों, सेम टू सेम आपको ये दो और ये तीन और ये चार लाइनों में यही लिखना है, छोटे से बड़ बड़े बने हैं, ठीक है। आपकी जो इससे क्या है, राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, सुंदर सुंदर आपको लिखना आ जाएगा। अब आपको चित्र देख कर लिखना है कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। चित्र कहाँ है बच्चों, चित्र ये रहा। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे पेड़ हमें बीज देते हैं, फूल देते हैं, पत्ती देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, छाया भी देते हैं, शुद्ध हवा भी देते हैं। तो ये बच्चों हमें ऊपर वाक्य बना के लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लिख लेते हैं, पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। नंबर एक, पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं यानी ठंडी साफ हवा देते हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन में हम लिखते हैं, पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। शीतल होता है बच्चे ठंडी, शीतल छाया देते हैं। अगला लिखिए बच्चों, पेड़ हमें दवाइयां देते हैं, और बच्चों पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, मेज कुर्सी बनाते हैं, जलाते भी हैं, पेड़ हमें लकड़ी देते हैं। पेड़ हमें खाना भी देते हैं बच्चों, फल देते हैं ना, और क्या देते हैं बच्चों, फल, ठीक है। अब आप बताइए सोचकर, पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें फूल देते हैं, अच्छा आपको पता है फूल क्या होता है, माला बनते तो बनाते हैं साथ के साथ फूलों की सब्जियां भी बनती हैं, आपको पता है। इस तरह से पेड़ हमें क्या क्या देते हैं हमने लिख लिया है। ये बच्चों एक काम करना, आप अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर सा पेड़ का एक चित्र बनाना, ठीक है, और फिर आप अपने टीचर को दिखाना। चलिए बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपका फोर्थ चैप्टर चौथा पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।